इस हफ्ते काफी सारे अपडेट्स है कियानो रीव्स की आने वाली फिल्म बर्सर्कर से, सोनी पिक्चर्स की एक न्यू टार्जन फिल्म, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ अपडेट्स, इस हफ्ते के नेटफ्लिक्स के अनाउंसमेंट्स और भी बहुत सारे अपडेट्स। तो शुरुआत करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डेडपूल 3 को अनाउंस कर दिया गया है और हर बार की तरह रायन रेनॉल्ड्स ने इसे अपने ही स्टाइल में अनाउंस किया और फैन फेवरेट डुओ ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल 3 के लिए रिटर्न कर रहे हैं। और इस अनाउंसमेंट के 24 घंटे के अंदर ही रायन और ह्यू ने एक फन डेडपूल 3 अपडेट वीडियो शेयर किया, जिसमें ये क्लैरिफाई करते हुए बताया कि 2017 में रिलीज हुई लोगन के इवेंट को टच नहीं किया जाएगा और आगे के पूरे वीडियो में वैम का वेक मी अप प्ले होने लगा, जिससे कि हम फैंस कुछ भी नहीं सुन पाए। लेकिन एक यूट्यूबर ने इस पर एक लिप रीडिंग वीडियो भी बना दिया और वो देखने से पहले आपको बता दे कि डेडपूल की पहली दो फिल्मों में वैम के सॉन्ग्स थे और डेडपूल वैम का काफी बड़ा फैन है और इस वीडियो में भी वैम का सॉन्ग प्ले किया गया। इससे साफ है कि भले ही डेडपूल का स्टूडियो चेंज हो गया हो, लेकिन हमें पुराना डेडपूल अपने ही अंदाज में दिखेगा। Get out. Yes. And he's like, grrr, and I'm just like, ooh, fucking, and I just fucking catch him. And I'm chasing him all over the place, and we're going through stuff. And we're going to have this massive, places massive, and just huge. डेडपूल के अनाउंसमेंट पर लोगन के डायरेक्टर जेम्स मैनगोल्ड ने भी रिएक्ट किया। डायरेक्टर बासम तारिक के अचानक बाहर होने के बाद मार्वल स्टूडियोज के ब्लेड फिल्म के बारे में काफी रूमर्स ऑनलाइन सर्कुलेट कर रही हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट इस फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट, मार्वल स्टूडियोज ने ब्लेड फिल्म के लिए एक नए राइटर को साइन कर लिया है और इस फिल्म के पूरे स्क्रिप्ट को एक बार फिर से लिखा जाएगा। और अभी ये अनक्लियर है कि क्या इस फिल्म के रिलीज डेट को भी चेंज किया जाएगा। एक चेंज आर्मर वॉर्स सीरीज को लेकर भी किया गया है और अकॉर्डिंग टू THR, मार्वल स्टूडियोज ने डिसाइड किया है कि इस सीरीज को अब फिल्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज सीक्रेट इन्वेजन की रीशूटिंग हो रही है, जिसके कुछ सेट फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स फिल्म के लिए लोकी के राइटर को साइन कर लिया गया है। नेक्स्ट सोनी पिक्चर्स की मार्वल फिल्म एल मरेटो के लिए सुपरस्टार बनी को कास्ट किया गया था और अब इस फिल्म के लिए जोनस क्यूएरन को साइन कर लिया गया है इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। अब सोनी पिक्चर्स की बात हुई है तो आपको बता दे कि एक न्यू टार्जन फिल्म तैयार हो रही है थिएटर में रिलीज करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द हॉलीवुड रिपोर्टर, सोनी ने हाल ही में परचेज किया है टार्जन के कैरेक्टर के राइट्स को फिल्म के लिए और कहा जा रहा है कि कंपनी टार्जन की कहानी को एक नए तरीके से हमारे सामने रखेगी। नेक्स्ट, टूबी ने हॉट टेक द डिप हर ट्रायल फिल्म को रिलीज कर दिया है। टूबी एक OTT प्लेटफॉर्म है जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जॉनी डेप और एम्बर हर्ड केस पर एक फिल्म रिलीज किया है। अगर आप इस केस को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। अमेजोन स्टूडियोज ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है टॉम क्लैंसीज जैक रैन के थर्ड सीजन के रिलीज डेट को। थर्ड सीजन को अमेजॉन प्राइम पर इस साल 21 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा और आने वाले थर्ड सीजन का एक सिनॉप्सिस भी रिवील किया गया है। स्टार ट्रेक फ्रेंचाइज फैंस के लिए एक बैड न्यूज है कि इस फिल्म के फोर्थ पार्ट को पैरामाउंट के 2023 शेड्यूल से हटा दिया गया है, यानी कि अब इसे नेक्स्ट ईयर रिलीज नहीं किया जाएगा। ये चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर मैट शैकमैन अब इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से इस फिल्म के रिलीज डेट को भी चेंज कर दिया गया है। द सुपर मारियो ब्रॉस के फर्स्ट पोस्टर के बाद फाइनली इस फिल्म का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर 7 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स ने अपने शोज को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसमें सबसे पहले बर्लिन का एक टीजर रिवील किया गया। ये एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इस सीरीज के सारे कास्ट मेंबर को देख सकते हैं। मनी हाइस्ट की ये स्पिन ऑफ सीरीज फोकस करेगी बर्लिन के कैरेक्टर को। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर नेक्स्ट ईयर रिलीज किया जाएगा। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली डार्क हॉर्स कॉमिक्स बेस्ड ग्रेंडल सीरीज को कैंसिल कर दिया गया है। डेडलाइन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स अब इस सीरीज पर काम नहीं कर रहा है। नेटफ्लिक्स पर कियानो रीव्स की आने वाली फिल्म बर्सर्कर के स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया गया है और कियानो रीव्स इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया।